हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा मराठा साम्राज्य से मराठा शासन काल से हमारा दूसरा पार्ट है। अगर पहला पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे SSC का, UPSC का, रेलवे का, पुलिस का, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम दिला रहे होंगे, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या यहाँ से जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर अलग अलग पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 30 क्वेश्चन तक हम पहले पार्ट में कवर किए थे, तो यहाँ से आज आगे बढ़ेंगे। तो एक स्वतंत्र राज्य की तरह शिवाजी की जो ताज पोशी होती थी, तो कहाँ कौन से साम्राज्य जो कि इनकी जो राजधानी थी कहाँ से शासन करते थे, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सूरत, सिंहगढ़, रायगढ़ या पुणे से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, रायगढ़, याद रखिएगा। तो आपका जो शिवाजी थे इनकी जो राजधानी थी आपके रायगढ़, तो यहाँ से शासन का जो जो भी संचालन वगैरह यहाँ से करते थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी मराठा राज्य में भूमि मापने की एक इकाई थी। तो काठी, जरीब, तनाव या बीघा। तो इसका सही ऑप्शन होगा जाए काठी, याद रखिए। तो यह मराठा राज्य में एक भूमि मापने की एक इकाई थी जिसे काठी के नाम से इसको जाना जाता था। यहाँ पर मराठा साम्राज्य में जो कि भूमि को एक तरह से नापने की उनकी अनुमान पता लगाने के लिए यहाँ पे जो कि काठी भूमि नापने की एक इकाई थी, क्वेश्चन पूछा गया है आपके। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, इसका तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी की माँ की जो उनकी माँ थी इनका नाम क्या था। तो जीजाबाई, रमाबाई, ताराबाई या हीराबाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जीजाबाई। तो शिवाजी की जो उनकी माता थी तो उनकी नाम जीजाबाई थी, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे। तो तुकाराम, एकनाथ, रामदास या डी है ज्ञानदेव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रामदास, जो शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए यानी इनमें से किनके बीच लड़ाई हुई थी। तो संभाजी और शिवाजी की बीच हुआ था, या सी है संभाजी और बाजीराव, और आपके सी है बाजी राजाराम, और आपके संभाजी, या डी है आपके इनमें से कोई नहीं। इस सही ऑप्शन हो जाएगा राजाराम और संभाजी, इन दोनों के बीच यहाँ पे लड़ाई हुई थी राज्य को यहाँ पे अपनाने के लिए। तो शिवाजी की मृत्यु के पश्चात इन जो उत्तराधिकार थे इनमें से आपके राजाराम और संभाजी राज्य को जो कि संभालने के लिए इनके बीच लड़ाई हुई थी। तो इसका याद रखिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पेशवा घर का स्थापक था। तो आपको परशुराम, त्रिभंकक, रामचंद्र पंडित, या आपके सी है बालाजी बाजीराव, या डी है आपका बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ इनमें से आपका पेशवा घर का स्थापक है। तो याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ को, जो कि पेशवा घर के इसको संस्थापक या स्थापक इसको कहे जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप सरंजामी जो प्रथा है किससे संबंधित थी। मराठा काल में साम्राज्य जो उनको जो शासन काल में चलता था सरंजामी प्रथा, यह आपके जो मराठा काल में जो भू राजस्व प्रथा से संबंधित है आपका सरंजामी प्रथा। तो याद रखिएगा किससे संबंधित है पूछा जाएगा, तो मराठा काल में भू राजस्व की एक प्रथा थी जो आपके जो कि मराठा काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कथन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा। क्वेश्चन है, शिवाजी के सैन्य विद्वता के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन यहाँ पे सही है, विचार कीजिए पूछा गया। तो वे गुरुल्ला जो रणनीति है उनके फुर्तीले घुड़सवार युद्ध में प्रवीण थे, और आपका सेकेंड कथन है उन्होंने पश्चिमी दक्कन के पठारों में पर्वतों पर किलाबंद दुर्गों की श्रृंखला यहाँ पे निर्मित की थी, और साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने गुरिल्ला रणनीति को भी उन्होंने अपनाया था। तो इसका ए और बी आपके जो फर्स्ट और सेकेंड जो कथन है ये आपके शिवाजी के काल में कथन, दोनों कथन आपके सही हैं। उन्होंने यहाँ पे गुरिल्ला रणनीति अपनाई थी फुर्तीला घुड़सवार युद्धों में प्रवीण कार्य। गुरिल्ला युद्ध कौन से शासक ने यहाँ पे अपनाया था, तो याद रखिए शिवाजी ने अपनाया था। तो इसका दोनों जो कथन है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश PSC में आए हुए क्वेश्चन है, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी। तो आपके शिवाजी, पेशवा बाजीराव, कृष्णदेव राय या अकबर के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवाजी। तो शिवाजी के जो काल में उनके आपके शासन काल में यहाँ पे जो अष्ट प्रधान है जो कि आपके मंत्रिपरिषद जो के शिवाजी काल से संबंधित है, जो अष्ट प्रधान है आपके मंत्रिपरिषद से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान के 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो इनायत खां को, शाइस्ता खां को, अफजल खां को या सैयद खां को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो अफजल खां था, इन्होंने जो कि सेना नायक थे तो बीजापुर के सुल्तान के आपके 1959 में शिवाजी को दबाने के लिए आपके अफजल खां को भेजा था। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो जसवंत सिंह, शाइस्ता खान, जय सिंह या दिलेर खान? तो इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा, जय सिंह, याद रखिएगा। तो 1665 में शिवाजी ने ये आपके जो जय सिंह है, इस मुगल सेनानायक के साथ जो प्रसिद्ध पुरंदर की संधि हुआ था इसमें हस्ताक्षर किया थे शिवाजी ने। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, जय सिंह, इस मुगल जो सेनानायक है इनके प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यह भी पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पीएससी में, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो आपके संभोजी, जीजाबाई, राजाराम या डी है ताराबाई? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ताराबाई। तो इन्होंने औरंगजेब के जो मृत्यु के बाद इन्होंने जो मराठा शासनकाल जो किसके नेतृत्व में हाथों में था, आपके ताराबाई इन्होंने संभाला था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो सरदेशमुखी, अबवाब या चौथी या आपके जमादानी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, चौथ, याद रखिए। तो सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को या यहाँ पे चौथ के नाम से इनको जाना जाता है। तो सुरक्षा के लिए ना, तो चलो सुरक्षा के लिए यहाँ पे मराठों राजस्व के दावों को चौथ के नाम से इसको जाना जाता है। तो यह मराठा काल से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके मध्य प्रदेश पीएससी में आए हुए, एमपीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, 2003 में शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन नगर में कैद में थे? तो ग्वालियर, दिल्ली, आपका आगरा, डी है कानपुर। तो यहाँ पे जो शिवाजी थे तो मुगलों के कैद से भागने के समय जो उनके नगर में कौन थे, तो इसमें आगरा उनके कैद में थे। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था या विदेश विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो सुमंत, सरे, नौबत, अमात्य या सचिव? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सुमंत, याद रखिएगा। तो सुमंत आपको यह विदेश विभाग होता था जो आपके शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को यहाँ पे सुमंत के नाम से इनको जाना जाता, जो आपके विदेश विभाग के जो हेड होते थे इनको सुमंत के नाम से आपके शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत के नाम से इनको जाना जाता था, इन लोग कहा जाते थे। इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पुणे कभी की राजधानी के रूप में इनको जाना जाता था? तो सिंधिया के समय भोसले, होलकर या पेशवा? तो पेशवा शासनकाल में जो पुणे थे इनको राजधानी के रूप में, जो कि आपके पेशवा शासनकाल में इनको पुणे को राजधानी के नाम से उनके शासनकाल में जाना जाता था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपके SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत से एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को निम्नलिखित किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो अफगान शासकों को, अंग्रेजों को या मुगलों को या फ्रांसीसी को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, अफगान को। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी जिसमें मराठों को, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को यहाँ पे अफगान में से किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो आपके अफगान को पराजित किया था, तो याद रख। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? तो बालाजी, बाजीराव या बी है आपका माधवराव या डी है आपका बालाजी विश्वनाथ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बालाजी बाजीराव यह पेशवा था जो सर्वाधिक सशक्त था, इसको सशक्त पेशवा कहा जाता था। तो कौन था? तो बालाजी बाजीराव, याद रखिए, जो कि यह अत्यधिक सशक्त पेशवा इसको कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये भी SSC में आया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा पेशावर सदन का संस्थापक था? तो बालाजी विश्वनाथ, जो कि यहाँ पेशावर सदन का इनको संस्थापक कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी? तो बाजीराव प्रथम, बी है माधवराव प्रथम या किसी बालाजी विश्वनाथ या बालाजी बाजीराव? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। तो इसके शासनकाल में, बालाजी विश्वनाथ इनके शासनकाल में, उस दौरान यहाँ पे जो मराठा सत्ता थी, मराठा शासनकाल, तो सर्वोच्च शिखर पर यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल में सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी। इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन से युद्धों के दौरान छापामारी युद्ध कला का सबसे महान जो कि आख्याता कहा जाता था, तो बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, शिवाजी या राजा राम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवाजी। तो शिवाजी थे जो कि छापामारी युद्ध कला का सबसे बड़ा महान इनको जो कि आख्याता कहा जाता है, निपुण कहा जाता है। तो याद रखिएगा इन्होंने यह गोरिल्ला युद्ध को उन्होंने अपनाई थी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ सकते, छापामारी युद्ध कला सबसे जो महान विख्याता कौन था, तो आपका शिवाजी था। गोरिल्ला युद्ध किसने अपनाया था, तो यहाँ पर शिवाजी को आंसर लीजिएगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1556 या 1761 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1761। याद रखिएगा पानीपत की लड़ाई एक नया क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो सन 1761 में लड़ी गई थी। तो इसका 1761 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम पेशवा कौन था, तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, जो कि यहाँ प्रथम पेशवा इनको कहा जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि प्रथम पेशवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली कौन से कुल का था, तो ईरानी, अफगानी, तुरानी या दुर्रानी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दुर्रानी। याद रखिए तो अहमद शाह अब्दाली कौन से कुल से संबंधित रखता था, तो आपके दुर्रानी कुल से संबंधित था अहमद शाह अब्दाली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश PSC में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नांकित में मराठा देवियों ने जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, वह कौन थी, तो अहिल्याबाई, ताराबाई, मुक्ताबाई या रुक्मणीबाई। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुक्ताबाई। याद रखिए तो जो यौ शासिका थी सन 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व आपके मुक्ताबाई ने इन्होंने संभाला था। तो इसका सही ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित कौन सा एक परिणाम था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मराठा जो कि युद्ध इन्होंने जीत गए थे मराठाओं ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ आपके जो युद्ध है 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में जिसका परिणाम था, जिसमें मराठा युद्ध जीत गए थे इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, वर्ष 1997 में मराठाओं द्वारा ब्रिटिशों के किए गए जो आत्मसमर्पण में मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा जो कि एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हुआ था, तो कौन सी ईयर हुआ था, तो सन 1818 में समाप्त हो गया था। तो याद रखिए डेट को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था, तो पुरंदर की संधि, वाडगांव की कन्वेंशन या बेसिन की संधि या सालबाई की संधि। तो आपका जो बेसिन की संधि थी, जिसमें इस संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था, कौन सी संधि है, तो बेसिन की संधि याद रखिएगा। तो आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया था बेसिन की संधि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत में मराठे पराजित हुए थे क्योंकि मराठे शक्ति में अफगानों का बराबर नहीं थी, इसलिए आपके पानीपत में मराठे पराजित हुए थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित किसने मराठा राज्य की बागडोर को संभाली थी या किसने शासनकाल किया था, तो राजा राम, गंगाबाई, बालाजी विश्वनाथ या नानाजी देशमुख। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। तो संभाजी के पश्चात आपके जो बालाजी विश्वनाथ थे, इन्होंने मराठा राज्य की बागडोर या इनको इन्होंने शासन संभाला था मराठा राज्य की। तो इसका बालाजी विश्वनाथ सही आंसर हो जाएगा। तो संभाजी के बाद आपसे किसने शासन किया था मराठा राज्य में, तो बालाजी विश्वनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायकवाड़ कहाँ का शासक था, तो बड़ौदा का, ग्वालियर, कानपुर या नागपुर का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बड़ौदा। याद रखिए तो गायकवाड़ कहाँ का शासक था, तो आपका बड़ौदा का शासक था। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से किससे पराजित हुए थे, तो अफगान, अंग्रेज, मुगल या फ्रेंचों ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अफगान। याद रखिए पानीपत की जो तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठे में से कौन जो कि पराजित हुए, तो अफगान शासक यहाँ पे पराजित हुए, इसमें मराठाओं ने अफगान से पराजित हुए थे। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बता रहे सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ मैं इंक्लूड की हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू।